सुप्रभात बच्चों, DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग माता का आंचल नामक पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि लेखक जो हैं अपने बचपन में किस तरह से शरारतें करते हैं, किस तरह से अनेक नाटक खेला खेलते हैं, तमाशा करते हैं, ये सब बता रहे हैं। तो आगे अब इन लोगों का खेत खलिहान का खेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके आगे कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ऐसे हम लोग अनेक तरह के तमाशे रोज़ हम लोग खेल खेलते हैं और प्रत्येक दिन हर दिन कुछ नया ही खेलते हैं। तो हम लोग का ऐसा खेल होता है कि जो आते जाते लोग हैं हम लोग का खेल देखने लगते, कुछ देर आने जाने वाले लोग भी रुक करके हम लोग का खेल देख करके और तब जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। देखिए, ददरी जो है बलिया उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में ददरी नामक स्थान है। वहाँ कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है, वहाँ पशुओं का भी मेला लगता है और लोग गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन वहाँ जाते थे। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पशुओं का मेला लगता है तो जो लोग अपना पशु बेचना चाहते हैं वो लोग अपना पशु लेके जाते हैं, और कुछ लोगों को नया पशु खरीदना होता था तो वे लोग भी जाते थे। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अब कहीं भी लोग जाते हैं एक दो दिन के लिए या दिन भर के लिए तो अपने खाने का प्रबंध घर से ही करके ले जाते हैं। तो ऐसे ही जो लोग ददरी का मेला जाते हैं वो लोग अपने साथ सत्तू पिसान की मोटरी, अर्थात सत्तू जो है अनाज को भून करके बनाया जाता है, तो वो सत्तू और आटे की मोटरी, अर्थात कुल मिलाकर यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि चलो भाइयों ददरी का मेला और अपने खाने का व्यवस्था करके सत्तू पिसान की मोटरी लेकर के चला जाए। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वो हारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। और फिर इसके बाद क्या करते थे कि जब कभी देखते थे कि कोई दुल्हन यहाँ से जा रही है तो हम लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से उसको देख करके चिल्लाने लगते थे और क्या कहते थे, अब ये लोग तमाशे कर रहे हैं, एक एक खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जब किसी दुल्हन की डोली जाती है तो कहते हैं, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार मेहरी। ये लोग शरारत करते हैं, चिढ़ाते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो दुल्हन आप लोग लेके जा रहे हैं वो हमारी है। और फिर आगे कहते हैं, इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। इसके बाद लेखक बता रहे हैं कि ये लोग हम लोग जो है शरारत अनेक तरह से करते थे। तो जब दुल्हन जाती थी तो हम लोग इस तरह से चिढ़ाते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार मेहरी। ऐसे ही सुन करके एक बूढ़े वर ने, अर्थात जो जिसकी शादी हुई थी वो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति था, उम्र दराज व्यक्ति था, वो सुन लिया और ढेलों से मारने लगा। ढेला मतलब मिट्टी के टुकड़े को ले करके हम लोगों को मारने लगा। और उसकी सूरत जो है वो कैसी थी, खसूट खबीस अर्थात लूट खसोट करने वाला, भयंकर डरावना,
ऐसा उसका शक्ल था। और फिर लेखक बता रहे हैं कि पता नहीं किस न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, अर्थात पता नहीं कैसा व्यक्ति था जो इस व्यक्ति से शादी अपने लड़की का कर रहा है। घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा, मतलब उसका मुंह जो है वो घोड़े के समान था, अच्छा नहीं था। कहने का मतलब घोड़े के समान मतलब अच्छा नहीं था। ऐसे व्यक्ति को पता नहीं कौन दूल्हा खोज निकाला था, कौन इससे शादी कर रहा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। अब इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके आगे की बात कह रहे हैं कि अब आम की जो फसल है, आम के का समय आता है, तो हम लोग के यहाँ आम भी खूब थी और आंधी भी खूब, आम के समय में आंधी भी खूब आती थी। तो आंधी थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो जाता था, तब हम लोग बाग की ओर, बागीचे की ओर आम लेने के लिए दौड़ने लग जाते थे और चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम। गोपी आम जो है ये आम की नस्ल है, तो कह रहे हैं कि हम लोग घुले घुले अर्थात खूब पका पका, कच्चा आम नहीं, कच्चे आम को छोड़ देते थे और पका आम लेकर के खूब चबाते थे, खूब खाते थे। और फिर आगे एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, हम लोग चिल्ला उठे। लेखक बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि आंधी आई और पेड़ से आम पट गए, अर्थात खूब आम गिरे हुए थे और आकाश जो है वो काला हो गया था, काले बादलों से ढक गया था। और उस समय आकाश से गर्जना हो रही थी, बादल जो है वो आवाज़ कर रहे थे, गरज रहे थे, बिजली भी कौंध रही थी, बिजली भी चमक रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सारे पेड़ झूम उठे थे, झूमने लगे और जमीन चूमने लगे, धरती को छूने लगे। तब हम लोग चिल्लाने लगे, चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब ये लोग अपनी तरह तरह की कहावतें कहने लगते हैं, तो ये लोग गाने लगे खुशी के मारे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। और फिर देखिए क्या हो रहा है, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। इन लोगों के कहने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि बरखा जो है एक पैसे की लाई है वो पूरे बाजार में छितरा गई है, फैल गई है, और जहाँ फैली है उधर ही वर्षा हो, हम लोगों के तरफ वर्षा न हो। लेकिन इनके कहने के बाद भी बरखा जो है, बारिश जो है वो नहीं रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा, खूब तेज़ से पानी होने लगा। उसके बाद हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अब लेखक कह रहे हैं कि पानी इतना तेज से बरसने लगा तो हम लोग भीग न पाए, इसलिए पेड़ों के जड़ में पानी चारों तरफ गिरने लगता है तो जड़ ही सुरक्षित रहता है, तो पेड़ के पास, पेड़ों के जड़ में हम लोग छुप गए कि भीग न पाए। और कैसे सट गए, पेड़ों के पास धड़ से सट गए, कैसे सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई जो है एक प्रकार का ऐसा कीड़ा है जो कुत्तों के शरीर में रहता है, तो ऐसे ही बता रहे हैं कि जैसे अठई कुत्तों के कान में चिपका रहता है, ऐसे ही हम लोग पेड़ से सट गए, चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन उसके बाद बरखा जो है ज़्यादा देर तक नहीं रही, थम गई, रुक गई। अब वर्षा जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद फिर देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए, हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए,
बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, अब देखिए कह रहे हैं कि बरखा बारिश के बंद होते ही पेड़ पे पेड़ों की डालियों में बिच्छू सर्प अनेक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो छिपे रहते हैं। जब बारिश होने लगी तो ये सारे गिर करके ज़मीन पे आ गए और चारों तरफ दिखाई देने लगे। और हम लोग बच्चे थे, इन सबों को बिच्छू को जब बरखा बंद हो गई तो बिच्छू चारों तरफ नज़र आने लगी, पेड़ से गिर करके बिच्छू जो है वो फैल गई। उसके बाद हम लोग बिच्छुओं को देख करके भागने लगे, लेकिन उसमें से एक बैजू नाम का लड़का था, वो बड़ा ही धृष्ट ढीठ था, अर्थात वो निडर था, धृष्ट था, वो नहीं भागा। और संजोग की बात ऐसे है कि उसी समय एक मूसन तिवारी नाम का आदमी जो है वो हम लोगों को मिल गया। वो बूढ़ा था, उसको कम दिखाई देता था, तो बैजू जो है वो बहुत ही निडर था, धृष्ट था, वो उनको चिढ़ाने लगा और चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। और मूसन तिवारी को ऐसे कह करके बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा जो ये बैजू है वो चिढ़ाने लगा। अब देखिए आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि जब ये बैजू है वो चिढ़ाने लगा मूसन तिवारी को, तो हम लोग भी तो बच्चे ही हैं और बच्चों की स्वाभाविक आदत होती है कि वो भी खुशी के मारे, उनको सही और गलत का अभी ज्ञान नहीं होता है, तो बच्चे भी ये जो बैजू है उसके साथ मिल करके सुर में सुर मिलाने लगे, अर्थात बैजू के साथ मिल करके वही बात बोलने लगे। और मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। अब जब ये सब बच्चे चिढ़ाने लगे मूसन तिवारी को, तो बहुत ज़ोर से बेतहाशा खदेड़ा, यानी बहुत तेज से दौड़ा करके हम लोगों को भगाने लगा। हम लोग तो बस अपने घर की ओर आंधी हो चले। और जब ये दौड़ाने लगा तो हम लोग जैसे आंधी आती है वैसे ही अपने अपने घर की ओर भागने लगे। फिर क्या हो रहा है, जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर इधर जो ही हम लोग के घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। अब जो ये मूसन तिवारी हैं ये सब सुन करके, चिढ़ाना सुन करके क्रोधित हो गए और सीधे पाठशाला हम लोगों को ढूंढे। हम लोग नहीं मिले तो सीधे पाठशाला चले गए, हम लोगों के विद्यालय स्कूल चले गए। और वहाँ हमको, लेखक जो कह रहे हैं हमको और बैजू को पकड़ने के लिए गिरफ्तारी वारंट यानी गिरफ्तारी का अधिपत्र लेकर के पहुँच गए। और इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तब तक हमारे गुरुजी के सिपाही हैं यानी गुरुजी के बातों को मानने वाले इनके द्वारा भेजे गए जो आदमी हैं हम लोगों को पकड़ने लगे, हम लोगों के ऊपर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। लेखक कह रहे हैं कि बैजू तो जो है वो धृष्ट था, होशियार था, वो तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, तो कह रहे हैं लेखक वो तो भाग गया। 9-2-11 होने का मतलब भाग जाना, तो बैजू जो है वो भाग गया लेकिन हम पकड़ लिए गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। उसके बाद हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी हमको डांटा फटकारा, जो भी करना हो हमको सजा दी। इसके बाद बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर जोर से नाचते और गाते थे। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब बाबूजी को यह खबर लगा कि आपका लड़का जो है वो पाठशाला में गया है और गुरुजी उनको पकड़ने के लिए आदमियों को, सिपाही को भेजे थे, तो इनके पिताजी जो है
वो दौड़े दौड़े इनके स्कूल गए और इनको उठा करके अपने गोद में ले करके इनको पुचकारने और फुसलाने लगे, अर्थात इन्हें दुलारने लगे और ये कह रहे हैं कि हम भी ऐसे वैसे नहीं थे, दुलारने से और पुचकारने से चुप होने वालों में से नहीं थे। और इतना रोए, रोते रोते अपने पिताजी का जो कंधा है वो आंसुओं से तर कर दिया, अर्थात उनका कंधा जो है हमारे रोने से, आंसुओं से जो है वो भीग गया। इसके बाद वह गुरुजी की चिरौरी, अर्थ चिरौरी का मतलब यहाँ होता है प्रार्थना, विनती। उसके बाद मेरे पिताजी जो हैं मेरे गुरुजी का से विनती करने लगे और विनती करके किसी तरह हमको घर ले गए। और फिर घर ले जा रहे थे तो रास्ते में ही हमारे साथियों की जो टोली थी, झुंड थी, वो मिल गई और फिर हम लोग जोर जोर से नाचने और गाने लगे। इसके बाद क्या इस इतना ही रहने दीजिए, आज जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़िए और उसके बाद से जिस शब्द का अर्थ समझ में ना आए उसको फिर अगले पीरियड में जब पढ़ा रहे हैं या किसी तरह से मैसेज भेजकर पूछिए।